प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बिहारी, उसके दोहों को हम अर्थ करके आप सभी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो, अब हम जो बिहारी के दोहे हैं उनका अगला दोहा लेते हैं। तो देखो, निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गहे, कहो बुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। देखो, इस दोहे को हम लिख लेते हैं। निसी अंधियारी नील पटु निसी, देखो, निसी अंधियारी नील पटु अंधियारी नील पटु निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गहे, पहिरी चली पिए गहे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। कहो दुराई, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। देखो, ये जो दोहा है ये कवि बिहारी द्वारा रचित है और बिहारी शब्द से उद्धृत है ये। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके कठिन शब्दार्थ रख देता हूँ। कठिन शब्दार्थ निसी, निसी का अर्थ होता रात, पटु, पटु का मतलब वस्त्र, पहिरी, पहिरी कहते हैं पहनना, पिए, पिए कहते हैं प्रिय या पति, दुराई, दुराई माने छिपाना, और दीप सिखा, दीपशिखा कहते हैं जलता हुआ दीपक, दीपशिखा कहते हैं प्रज्वलन या जलता हुआ दीपक, देखो ये इसके कठिन शब्द हैं। निसी माने रात, पटु माने वस्त्र, पहिरी माने पहनना, पिए माने प्रिय या पति, दुराई माने छिपाना, और दीपशिखा कहते हैं प्रज्वलन या जलता हुआ दीपक। तो देखो, हाँ, इसके हम जो ये दोहा है इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गहे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी। ये जो दोहा है इस दोहे में ये प्रसंग दिया गया है कि कविवर बिहारी अपनी बिहारी सतसई में इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो नायिका होती है वह रात्रि में अभिसार के लिए
चली जाती है, अर्थात नायक से मिलने के लिए जाती है। और इसमें जो नायिका का जो रूप सौंदर्य है उसी का वर्णन किया गया है। तो देखो, एक सखी होती है, वो नायिका के पास, सॉरी, एक सखी होती है, वह नायक के पास अभिशाप करने वाली नायिका को देखकर दूसरी सखी से कहती है कि वह उस अंधेरी रात में, निशी अंधेरी, कि वह उस अंधेरी रात में नीली साड़ी पहन करके, उस अंधेरी रात में नीली साड़ी पहन करके और अपने प्रियतम के घर जाती है, अपने प्रियतम के घर चली जा रही है। किंतु हे सखी, तू ही बता, भला उसकी जो दीप सखा के समान जो देह है, उसकी जो दीप सखा के समान देह है, प्रकाशवती देह, प्रकाशमान देह, जो कि स्वयं प्रकाशित होती रहती है, वो देह क्या कोई छिपाने से छिप सकती है? नहीं, अर्थात अंधेरे में भी उस नायिका का जो शरीर है, प्रकाशमान शरीर है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो कहने का भाव यही है कि नायिका का जो शरीर था वो दीप सिखा के समान था, स्वयं प्रकाशमान था, और वह अपने शरीर को, अगर अपने देह को अगर वो छिपाने की कोशिश कर रही है तो वो निरर्थक है, क्योंकि उसका जो प्रकाशमान शरीर है वह इस अंधेरी रात्रि में नीले वस्त्र पहन करके नहीं छिपाया जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कोई मुग्धा नायिका होता है, उसके शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना की गई है, समझ गए? इसमें उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। किसका? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो, हम नेक्स्ट दुआ लेते हैं। ओंधाई सीसी सुलखी विरह वर्णी बिलला ओंधाई सीसी सुलखी विरह वर्णी बिललात बीच सूखी गुलाब गो छीटो छुईना गात। बीच सूखी गुलाब को, बीच सूखी गुलाब गो छीटो छुई ने गात। देखो, ओंधाई सीसी सुलखी विरह वर्णी बिललात बीच सूखी गुलाब गो छीटो छुईना गात। अब इसमें कठिन शब्द हैं, जो देख लो, कठिन शब्द कौन कौन से हैं? ओंधाई का मतलब होता है उलट देना, बिललात का मतलब है विलाप करना, बरनी जलना, छुई स्पर्श, सीसी कहते हैं गुलाब से भरी हुई जो सीसी होती है। तो देखो, ये इसके कठिन शब्द हैं। ओंधाई माने उलट देना, बिल्लात माने बिलाप करना, बरनी माने जलना और छुई माने स्पर्श। तो ये जो दुआ है, ये दुआ बिहारी सत्संग से उद्धृत है, आपको सबको पता है
इसमें कवि ने वृहणी नायिका की वृहदशा का वर्णन किया है। कैसे? वृहणी नायिका की सखी औदाई सीसी सुलखी बृह बरनी बिलला, मतलब इसमें बताएगा वृहणी जो नायिका होती है उसकी सखी नायक से आकर के कहती है, वृहणी नायिका की जो सखी होती है वो नायक से आकर के कहती है कि जब मैंने उसे या नायिका को वृह के लपटों में प्रज्वलित होते हुए देखा और विलाप करते हुए देखा, वृह की लपटों में प्रज्वलित होते हुए देखा और विलाप करते हुए देखा, तो उसकी रक्षा करने की खातिर, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मैंने शीतल गुलाब जल की जो सीसी है वो उसके ऊपर उलट दी, जो शीतल गुलाब जल की सीसी है वो मैंने उसके ऊपर उलट दी, परंतु वह नायिका वृह की अग्नि में इतनी तेज थी, वह नायिका वृह की अग्नि में इतनी तेज थी, इतनी वृह अग्नि उसके अंदर से निकल रही थी कि जो गुलाब की सीसी जैसे उस पर उल्टी और जो वो गुलाब था उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाया और वो बीच में ही सूख गया। तो देखो इसमें नायिका की वृह अग्नि, नायिका की जो वृह अवस्था है उसकी कितनी अतिशयोक्ति की है, अतिशयोक्ति की है अर्थात ऊहात्मकता, एक ही बात है कि अतिशयोक्ति से बढ़कर के करना वो ऊहात्मकता कहलाती है, जो असंभव चीज़ को भी संभव बना रहे हैं। तो आप समझे? तो देखो फिर हम अब अगला दोहा लेते हैं। दोहा ले लेते हैं। इत आवत चल जात उत चली छ सातक हाथ चणी हिंडोरे सी रही रहे लगी उसासन साथ। इत आवत चल जात उत, देखो इत आवत चली जात उत, जाति ना आए जात उत, इत आवत चल जात उत चली छ सातक हाथ चली छ सातक हाथ चणी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। चणी हिंडोरे सी रहे, चणी डोरे सी रहे लगी उसासन साथ, लगी उसासन साथ। इसके देखो बच्चों, इसके हम कठिन शब्द लिख देते हैं। सातक का मतलब होता है सात, हिंडोरे कहते हैं झूला, उसासन का मतलब है सांस लेना, उच्छ्वास एक ही बात है। तो इसके ये कठिन शब्द हैं। इत आवत चल जात उत चली छ सातक हाथ चढ़ी अडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। तो देखो ये जो दोहा है इसके मैंने अब शब्दार्थ बता दिए। सातक मतलब सात, इंडोले माने झूला, उसासन माने सांस लेना। क्या है? सांस लेना। तो देखो बिहारी सत्संग में संयोग श्रृंगार का जितना वर्णन किया गया है उतना ही वृह का जो वियोग श्रृंगार है उसका भी काफ़ी वर्णन, अच्छा वर्णन किया है। तो इस दोहे में क्या है, कवि बिहारी ने वियोगावस्था में जो नायिका होती है
वियोगावस्था में जो नायिका होती है उसकी जो उन्माद की दशा हो रही है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। वियोगावस्था में जो नायिका है उसके उन्माद की जो दशा हो रही है उसका यहाँ पर एक इसका ये चित्रण किया गया है। देखो इसकी हम व्याख्या करके बता देते हैं कि नायिका की इतावत चल जा तो चली छः सात अर्थात। देखो जो नायिका होती है वो बृह अवस्था में इतनी दुबली पतली हो जाती है, इतनी दुबली पतली हो जाती है कि आप उसकी संभावना भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि देख सखी, जो नायिका है वो विरह अवस्था में कितनी दुबली पतली हो गई है, इतावत चल जा तो चली छह सात का, मतलब नायिका विरह अवस्था में कितनी दुबली पतली हो गई है जो कि जब भी वह सांस लेती है, जब वह सांस लेती है तो वह सांस के साथ में कभी तो छः सात हाथ इधर आ जाती है, कभी छः सात हाथ उधर चली जाती है, मतलब वो सांस के साथ में छः सात हाथ आगे पीछे होती रहती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ, इस प्रकार वो नायिका ऐसी लग रही है जैसे कि किसी झूले पर झूल रही है। कैसी लग रही है? किसी झूले पर झूल रही है। तो देखो ये है ना, ये केवल कल्पना है, ऊहात्मकता है, इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है, अतिशयोक्ति से बढ़कर जिसमें कोई संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, जो कि वास्तविक स्थिति नहीं होती है वो होता है ऊहात्मकता, जिसमें केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो इसमें ऊहा का चमत्कार है, ऊहात्मकता का आधिक्य है, ऊहा का आधिक्य है। तो इसमें नारी की जो गृह व्यथा का जो वास्तविक वर्णन किया गया है केवल उसमें संभावना व्यक्त की गई है, और इसमें वस्तु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो फिर हम बिहारी का नेक्स्ट दोहा लेते हैं। लाल तुम्हारे ग्रह को अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। लाल तुम्हारे ग्रह को अग्नि अनूप अपार, लाल तुम्हारे ग्रह को, लाल तुम्हारे ग्रह को अग्नि अनूप अपार, अग्नि अनु अपार। देखो ये दोहे की प्रथम लाइन है, लाल तुम्हारे ग्रह को ग्रह की अग्नि अनूप अपार, सर से वर्षे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। सर से वर्षे नीर हूँ, सर से वर्षे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार, झर हूँ मिटे न झार। देखो ये जो दोहा है इसमें जो कठिन शब्द आए हैं झर और झार, झर और झार, ये जो कठिन शब्द आए इन कठिन शब्दों में झर और झार में अंतर है। झर तो कहते हैं झड़ी और झार कहते हैं प्रज्वलन। झर माने झड़ी और झार माने प्रज्वलन। और तो अपार कहते हैं जिसकी कोई पार नहीं पा सकता, अपार, अनुप, अनुपम, अग्नि, आग, नीर माने जल होता है। तो देखो
ये दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। ये आप सबको पता है, नायिका की सखी या नायक के ब्रह की विशेषताओं का वर्णन करती हुई कहती है। नायिका क्या कहती है कि हे लाल, तुम्हारे ब्रह की तो एक विचित्र विचित्र और अनुपम, मतलब एक विचित्र बात है। तुम्हारे ब्रह की जो बात है वो बहुत ही विचित्र है, अनुपम है, अपार है। कैसे? सर से वर्षे नीर हूँ, झर हूँ मिटे ना जा। कि जिस सर से बरसे नीर हूँ और जिसके पानी बरसने पर जो ब्रह की अग्नि है वो समाप्त नहीं होती है, वह और भी बढ़ती चली जाती है। अर्थात उसका प्रेम और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। उसके जो अश्रु होते हैं, बिना रुके हुए जो अश्रु निरंतर रूप से चल रहे हैं, उन अश्रुओं के प्रभाव से भी वह जो ब्रह की अग्नि है वह शांत नहीं होती है। तो इसमें ब्रह की एक विचित्र दशा का वर्णन किया गया है। इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। कारण न होते हुए भी कारण की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखो, एक इसका नेक्स्ट दोहा ले लेते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। देखो, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। देखो, ये जो दोहा है इसके कठिन शब्द ले लेते हैं। इस दोहे के इसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं, देखो, अहि मयूर मृग बाघ दीर्घ दाग, ये इसके कठिन शब्द हैं। अहि कहते हैं सर्प को। किसको कहते हैं? सर्प को। मयूर किसे कहते हैं? मोर को। मृग माने हरिण, बाघ जो शेर जैसा होता है, जंगल का राजा बाघ, दीर्घ माने लंबी, और दाग कहते हैं ग्रीष्म गर्मी। ये इसके शब्दार्थ हैं। अहि माने सर्प, मयूर माने मोर, मृग माने हरिण, बाघ माने बाघ जो जंगल का राजा शेर जैसा होता है, दीर्घ माने लंबी, और दाग माने ग्रीष्म ऋतु। दाग माने गर्मी, ग्रीष्म। तो देखो, ये जो अवतरण है कविवर बिहारी ने, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया इसमें कि ग्रीष्म ऋतु में जो ये संसार है वो तपोवन के समान दिखाई दे रहा है। और वो कैसे दिखाई दे रहा है? देखो, कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी के कारण पूरी धरती या संपूर्ण धरती तपोवन के समान दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि
कहलाने एकत बसत अही मयूर मृगवाग, क्योंकि सर्प, मोर, हरिण और बाघ शीतल छाया में एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्प, मोर, हरिण और बाघ शीतल छाया में एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। कहने का भाव यह है कि सर्प और मोर दोनों परंपरागत रूप से दुश्मन कहे जाते हैं, क्योंकि सर्प को मोर खत्म कर देता है, मार देता है, खा जाता है, और मृग और बाघ ये दोनों भी परंपरागत रूप से दुश्मन हैं, क्योंकि बाघ हरिण को कभी भी नहीं छोड़ता है और वो खा जाता है मार कर। तो ये ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी में पेड़ों की जो शीतल छाया होती है उसमें एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो संसार है एक तपोवन के समान दिखाई दे रहा है। ये अपनी आत्मरक्षा के लिए एक जगह बैठे रहते हैं तो ये संसार कैसे दिखाई देगा? तपोवन के समान दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये आपके जो मैंने दोहे पढ़ाए हैं वो समझ में आ चुके होंगे। धन्यवाद।